Good morning everyone. Before starting this video, subscribe our channel Techno Fiesta and share it to the maximum people. And don't forget to click on the bell icon. Now today's topic is fraction. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, लाइक अनलाइक यूनिट इम्प्रॉपर प्रॉपर, कई सारे फ्रैक्शन है जो हमने डिटेल में वहां पर डिस्कस किए थे। और उसके अलावा मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, कन्वर्जन, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। अब आपको दो फ्रैक्शन दिए हैं और आपको पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट उसके पहले यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, थ्री टाइप्स से आपके पास, तीन टाइप से यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके पास तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कंपेरिजन में। पहला जब क्या हो हमारा, वेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब हमारे क्या हो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप फ्रैक्शन में कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 3/5 and 4/5, ठीक है। अब आपको बताना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन अदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो दोनों में क्या है फाइव है, मतलब दोनों डिनोमिनेटर हमारे क्या है सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर अगर आपके सेम हो तो आप क्या करो, न्यूमरेटर से आप चेक कर सकते हो, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम देन वी कंपेयर न्यूमरेटर, क्लियर। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। यहां हमारा न्यूमरेटर क्या है थ्री है और यहां क्या है फोर, तो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर 4/5। एक और एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, जैसे मैंने लिखा 12/25 और यहां लिखा 10/25, तो अब आपसे पूछा जाए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 12/25 बड़ा है या 10/25। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे, बोथ आर सेम, डिनोमिनेटर हमारे क्या है दोनों में सेम है, दैट इज 25, दोनों में कितना है 25। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से चेक कर लेंगे, यहां पर क्या है 12 है और यहां कितना है 10, तो 12 इज ग्रेटर देन 10, 12 क्या होता है बड़ा होता है 10 से, तो हमारा 12/25 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 10/25 से। नाउ सेकंड टाइप, किस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएगा, व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम। अब ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना कि डिनोमिनेटर ही सेम है, ये भी तो हो सकता है कि ऊपर वाले नंबर यानी कि न्यूमरेटर भी सेम आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो व्हेन न्यूमरेटर आर सेम देन वी कंपेयर डिनोमिनेटर, बट अगर जब न्यूमरेटर अगर आपके पास सेम आते हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। बट डिनोमिनेटर में हमेशा ये याद रखना कि जो नंबर बड़ा होता है वो डिजिट क्या होगी हमारी, या वो फ्रैक्शन जो होगा वो हमारा छोटा होगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा आपको 7/5 और 7/3, तो मैंने आपको क्या बोला है कि जब न्यूमरेटर आर सेम, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर दोनों में क्या है सेम है, दैट इज 7, यहाँ भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से चेक करेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कि 5 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, बट आंसर क्या हो जाता है उनका, रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर हमारा बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होता है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है 5 है, तो हमारा फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा 7/3। तो डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर आपका बड़ा है वो फ्रैक्शन आपका छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 7/5 क्या हो जाएगा हमारा छोटा। एक और एग्जांपल अगर मैंने लिया 12/8/7 और 8/9, तो अब आपको पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है दैट इज 8, ये तो दोनों में इक्वल है, तो हम किसको देखेंगे डिनोमिनेटर को, यहाँ पर कितना है 7 है और यहाँ पर कितना है 9 है,
तो मैंने क्या बोला था, जो बड़ा नंबर होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, यानी कि ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 8 अपॉन 9 हमारे पास स्मॉल होगा देन 8 अपॉन 7 से। तो ये दो टाइप थे। अब थर्ड टाइप है कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आए। अभी तक मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, और सेकंड मैंने बताया न्यूमरेटर सेम हो, बट कंडीशन ये हो सकती है कि बोथ आर डिफरेंट, न्यूमरेटर भी अलग अलग हो और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो, या फिर हम क्या है अनलाइक फ्रैक्शन हो। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन अगर आपका हो तो आप उसको कंपेयर कैसे करोगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/5, 7/6। तो अब आप चेक करिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो न्यूमरेटर हमारा सेम नहीं है। यहाँ चेक किए 5 और 6, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, इट मीन्स डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो अभी की जो दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, व्हेन न्यूमरेटर आर सेम एंड व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, तो दोनों ही कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं होती है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, ताकि आपको जो आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। पहला हम क्या करें, जो भी हमारे डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो क्या है 5 है और 6 है, तो आप क्या करें इनका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम अगर हम लेते हैं, 5 में डिवाइड नहीं होता तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया, 6 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, 5 डिवाइड नहीं होता 3 वन टाइम डिवाइड हो जाता है, देन 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में 1 टाइम जाएगा एंड दैट इज 1। तो आपका एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5, इट मीन्स 2 × 3 = 6 एंड 6 × 5 = 30। तो आपको क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर जो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, उसको क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे 2/5। अब हमारा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 5 है, और हमें बनाना कितना है 30। तो आप इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 12/30। क्लियर। अब हमारा सेकंड जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 7/6। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कितना है, 6 है, बट हमें चाहिए कितना 30, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7/5 = 35 एंड 6/5 = 30। क्लियर। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। और मैंने आपको फर्स्ट मेथड इसमें यही सिखाया था कि जब डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हो बाय न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर से आप कंपेयर कर सकते हो 12/30 और 35/30। तो डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए, सेम आ गए, तो न्यूमरेटर यहाँ 12 है और यहाँ कितना है 35 है, इट मीन्स 35 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 12 से। क्लियर। अब 35 हमारा यहाँ पे बड़ा है, तो 35 किसका आंसर था, 7/6 का, इट मीन 7/6 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 2/5 से। तो इस तरीके से आपके पास, तीन तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कंपैरिजन में, जब न्यूमरेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो, या फिर बोथ आर डिफरेंस, न्यूमरेटर भी सेम नहीं होता और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होता, तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो। नाउ अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, That is ascending or descending order. तो हमारा next topic आ जाएगा इसमें descending and ascending order. Clear? अब आपको क्या होगा, कई सारे fraction given होंगे और उसे आपको कहा जाएगा arrange in ascending order या फिर arrange in descending order. तो पहले हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा। क्लियर। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एग्जाम में सॉल्व भी कैसे करने हैं क्वेश्चन। सपोज मैंने आपको फ्रैक्शन दिए हैं कई सारे, 2/3, 5/7, 3/5, 3/4, या 3 की जगह 7/4 लिख लीजिए। ठीक है। अब आपको कहा जाए कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर भी सबके डिफरेंट डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी सबके डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो भी हमारे फ्रैक्शन गिवन है उनके जो भी डिनोमिनेटर्स हैं, आप उन सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या क्या है, दैट इज 3, 7, 5 एंड लास्ट वन इज 4। तो आप सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट का भाग देंगे, अगर इसमें पॉसिबल है तो आप सबसे छोटे डिजिट हमारी क्या है 2, तो 2 का भाग 3 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, लेकिन 4 में जाता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 में नहीं जाता तो उसको एज इट इज लिखिया, 7 में भी यहाँ भाग नहीं जाता है तो उसको भी एज इट इज लिखेंगे, 5 में भी भाग नहीं जाता तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। नाउ 4, तो 2 की टेबल में 4 कितनी टाइम आता है, 2 टाइम, अगेन 2 का भाग देंगे, 2 तो ये आ जाएगा 3, 7, 5, और 2 की टेबल में 2 कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। फिर हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 7 और 5 में भाग नहीं जाता तो उनको एज इट इज लिख लिया। फिर हम किसका भाग देंगे, 5 का, तो 1, 7, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर किसका भाग जाएगा, दैट इज 7 का भाग जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गए, 1, 1, 1, 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7, यही हुए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 42, और 42 × 10 दैट इज 420, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा, 420। इट मीन्स आपको क्या करना है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाना है, 420 बनाना है। तो सबसे पहले लिया मैंने फ्रैक्शन 2/3, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है और हमें कितना बनाना है, 420। अब बच्चों को परेशानी आती है कि इतना बड़ा डिनोमिनेटर कैसे पता करेंगे कि 3 से कैसे किसको मल्टीप्लाई करेंगे 420 आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो हमें 420 हमें जो बनाना है ना उसमें हम क्या करें, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 टाइम 3 माइनस किया 12, दैट इज 4 टाइम 12 आ गया 0, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0। इट मीन्स आपको जो हमारा क्वोशेंट आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पर कितना आया 140, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा, डिवाइड करने पे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका डिनोमिनेटर 420 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 280, और ये हो जाएगा हमारे पास 420। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। सेकंड है 5/7, 5/7, अब हमें बनाना क्या है, 420 बनाना है, यहाँ पर कितना है 7, तो 7 के टेबल में 42 आता है, या फिर आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट बता रही हूँ, 7 के टेबल में क्या आता है, 42, कितनी टाइम आता है, 6 टाइम, तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 भी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 / 420, क्लियर। नाउ थर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 3/5, अब यहाँ पर कितना है, 5 है, और बनाना कितना है, 420, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करके भी देख सकते हो आप, वो आ जाएगा आपका क्वोशेंट, जब आप डिवाइड करोगे 5 से 420 को तो आपके पास क्वोशेंट आएगा 84, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा डिनोमिनेटर कितना आ गया, 420, और ये कितना आ जाएगा, 252, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 84 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 8 × 3 = 24 एंड 1 = 25, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 7/4, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 4 की टेबल में 4 1 टाइम, फिर 2 नहीं आता तो 0 एंड 20 कितने टाइम आता है, 5 टाइम, इट मींस 105 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 735। तो अब आपके पास क्या हो गया कि सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा, ठीक है। तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, सबसे हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, इट मींस स्मॉल टू बिग। तो पहले हम सबसे छोटा फ्रैक्शन देखेंगे, यहाँ कितना है, 280, 300, 252 एंड 735, तो सबसे छोटा कौन सा है,
252, तो ये किस फ्रैक्शन से आया है हमारा, 3/5 से, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5, फिर 280, तो 280 का फ्रैक्शन कौन सा है, दैट इज 2/3, फिर इससे बड़ा 300, इट मींस 5/7, फिर सबसे बड़ा 735, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 7/4, तो ये हमारा क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, जहां छोटे से बड़े को हमने अरेंज कर दिया बाय डिनोमिनेटर, बाय हमने क्या करा यूजिंग जो सेकंड मेथड था हमारा कि डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो आप कैसे कंपेयर करोगे डिजिट्स को या फ्रैक्शन को, ठीक है। नाउ एक हम देखेंगे, अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि आप क्या करो फ्रैक्शन जो आपको दिया है आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा। इसमें हम एग्जांपल ले, सपोज 3/6, 3/7, 1/2, 5/4, 7/5 एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया है 3/7, 1/2, 5/4, 7/5, ठीक है, सॉरी एक्सेट्रा नहीं, ये फ्रैक्शन। तो इन फ्रैक्शंस को आपको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर इट मींस बड़े से छोटे के क्रम में आपको अरेंज करना है। तो वही मेथड वही रहेगा जैसा असेंडिंग में था कि आपको क्या करना है जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालना है, दैट इज 7, 2, 4 एंड 5। तो आपको इनका क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें भाग देंगे, 7 में नहीं जाता तो एज इट इज लिख दिया, 2 के टेबल में 2 वन टाइम, 4 कितनी टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम, एंड 5 डिवाइड नहीं होता है तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। फिर अगेन हम किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 1, 1 एंड 5, देन 5 से जब भाग देंगे तो ये 1 हो गया, 7 में फिर 7 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1। तो आप एलसीएम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, कितना हो गया 2 × 2 × 5 × 7, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 and 27 = 140। इट मींस आपको जो भी डिनोमिनेटर से यहाँ पे 7, 2, 4, 5 उसको क्या बनाना है 140 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन लिया दैट इज 3/7, यहाँ पर 7 है और 140 बनाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 = 14, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा 60/140। सेकेंड हमारा है 1/2, तो 140 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर थर्ड हमारे पास है 5/4, तो इसको 140 बनाने के लिए डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, 35 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 140 एंड 175, ठीक है। और नाउ 7/5, लास्ट हमारा क्या है 7/5, 140 बनाना है तो 5 से इसको किससे मल्टीप्लाई करें 28 से, तो ये तो जाएगा 140 196, क्लियर। अब आपको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर इट मींस बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे के क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जब बड़े से छोटे के क्रम में इसको अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे इनका डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे और इसको अरेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सब में क्या है इक्वल है, दैट इज 140 140, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, दैट इज 7/5। बच्चे क्या करते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो आंसर में इनको अरेंज कर देते हैं, ठीक है, बट हमें इन्हें अरेंज नहीं करना, ये तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बनाया था, हमें अरेंज किसको करना है फ्रैक्शन को। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 7/5, फिर इससे छोटा हम चेक करेंगे 196 से छोटा कितना है 175, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 5/4,
फिर इससे छोटा हमारे पास 70, तो इसको हम 1/2 एंड लास्ट हमारे पास ये आएगा 3/7। तो इस तरीके से आप जो भी आपको फ्रैक्शन दिए हैं उसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन।